पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से सिनेमा घरों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे हालात ठीक हो रहे हैं लोग सिनेमा हॉल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। KGF 2 RR की धूम के बाद अब बारी है इस साल की सबसे मशहूर फिल्म अवतार 2 की। दर्शक इस फिल्म का इंतजार 13 साल से कर रहे हैं। अवतार के ट्रेलर के लॉन्च होते ही देखते देखते सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। फिल्म 16 दिसंबर को सिनेमा घर में रिलीज़ होगी। अवतार 2009 में पहली बार सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म को बनाया था जेम्स कैमरन ने। किसी ने सच ही कहा है, अगर आपके सपने ऐसे भी हैं जो सच नहीं हो सकते, मगर उस सपने को सच करने के लिए आप अगर ईमानदारी से उस पर मेहनत करो तो वो भी सच होते हैं बॉस। इसका सबूत है अवतार, जिसने दुनिया भर में एक इतिहास रच दिया था। फिल्म में मुख्य भूमिका में सैम वर्थिंगटन और जोई सल्डाना ने काम किया था। अवतार की कहानी बेहद सरल है और आगे क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। फिल्म के विजुअल इफेक्ट इस फिल्म को खास बनाते हैं। एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जिसकी कल्पना रोमांचित कर देती है। ये कहानी सन 2154 की है। पृथ्वी से कुछ प्रकाश वर्ष दूर पेंडोरा नामक ग्रह है। पृथ्वीवासी के इरादे नेक नहीं है। वो पेंडोरा में कुछ जानकारी जुटाने, उस पर कॉलोनी बनाने के साथ साथ वहाँ की बहुमूल्य संपदा ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में वहाँ के स्थानीय निवासी बांधा है, जिन्हें वो ब्लू मंकी कहते हैं। वैसे उन्हें नाभी कहा जाता है और इंसान उन्हें अपने से पिछड़ा हुआ मानते हैं। अवतार प्रोग्राम का जैक सुली भी हिस्सा है। इस प्रोग्राम में जैक अपने जुड़वे भाई की जगह आया है, क्योंकि उसके भाई की मौत हो गई है। मनुष्य और नाभी के DNA को मिलाकर एक ऐसा शरीर बनाया जाता है जिसे अवतार कहते हैं। इसे गहरी नींद में जाकर दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। जैक सुली का अवतार पेंडोरा के निवासियों के बीच फंस जाता है, लेकिन वह उनसे दोस्ती कर जानकारी जुटाता है। वहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और उनकी दुनिया को उसकी निगाह से देखता है, लेकिन जब उसे इंसानों के खतरनाक इरादों का पता चलता है तो वह उनकी तरफ से लड़ता है और पेंडोरा को बचाता है। जेम्स कैमरन ने इस कहानी को कहने के लिए जो कल्पना गढ़ी है बहुत वो अद्भुत है। चमत्कारी पेड़ पौधे, उड़ते हुए भीमकाय ड्रैगन, घना जंगल, पहाड़, अजीबो गरीब कीड़े मकोड़े और पंछी, खतरनाक जंगली कुत्ते, पेंडोरा के शक्तिशाली नीले रंग के निवासी चकित करते हैं बहुत। सन 2154 में मनुष्य के पास किस तरह के हवाई जहाज और हथियार होंगे, इसकी झलक भी फिल्म में देखने को मिलती है। फिल्म का क्लाइमेक्स जबरदस्त है बॉस। जब दोनों पक्षों में लड़ाई होती है तो इसे बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है और एक्शन प्रेमी से देख के रोमांचित हो जाते हैं। जेम्स कैमरन निसंदेह फिल्म के हीरो हैं बॉस। छोटी छोटी बात का उन्होंने ध्यान रखा है, हर किरदार का ठीक से विस्तार किया है। विजुअल इफेक्ट, कहानी और एक्शन का उन्होंने संतुलन बनाए रखा है, और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी को उन्होंने फिल्म पर हावी नहीं होने दिया। तकनीकी रूप से फिल्म लाजवाब है बॉस। फोटोग्राफी, स्पेशल विजुअल इफेक्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइन, डायरेक्शन बेहतरीन है। लाइट और सीट का प्रयोग फिल्म को खूबसूरत बनाता है। इस फिल्म में CGI के सबसे आधुनिक वर्जन का प्रयोग किया गया था, जिससे फिल्म के ग्राफिक्स की क्वालिटी और अच्छी हो गई थी। फिर एक बार दोबारा जेम्स कैमरन अवतार 2 लेकर आ रहे हैं, अवतार वे ऑफ वाटर। फिल्म रिलीज होगी 16 दिसंबर को और फिल्म को इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में देखा जा सकता है। इस फिल्म ने 2009 में हिस्ट्री बना दी थी, दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में नंबर 1 बनकर। क्या यह फिल्म दोबारा अपना रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? मुझे कमेंट करके बताएं। अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।